अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो मैंने एक मिनट जरा अभी रुक रहा हूँ, जरा कुछ लोगों को शायद ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। जस्ट एक मिनट मैं अपनी डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, जरा एक मिनट बस वेट कीजिए। जब तो नहीं है अच्छा ना, ठीक। चलो बेटा, वंस अगेन मेरी तरफ से सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। यकीनन बहुत से लोग तो फिजिकल क्लासेस में रजिस्टर हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टांसेस की वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस ही स्टार्ट करनी पड़ रही हैं। डेफिनेटली हम वेट नहीं कर सकते कि आपको आइडिया है कि सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं, कि हम इस उस दिन का इंतज़ार नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट किस दिन फिजिकल क्लासेस की परमिशन देगी। तो मीनवाइल इंशाल्लाह हम फिजिकल क्लासेस की बजाय ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आप डेफिनेटली परेशान ना हो, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलेगी जो लोग फिजिकल क्लासेस में रजिस्टर्ड थे वो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह कॉलेज ओपन हो जाएगा जैसे ही गवर्नमेंट की परमिशन आएगी और अब फिजिकल क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। बहरहाल इस लिमिटेशन की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, पढ़ाई को उसी तरह सीरियस लेना है जिस तरह हमने अदरवाइज लेना था। यकीनन जो भी नया चैलेंज जिंदगी में आ जाए उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो कुछ ना कुछ हम पिछला एक साल हो गया आप लोग यूज टू होते जा रहे हैं इन चीज़ों से भी, थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट जरा ज्यादा रखना पड़ता है, अपनी रूटीन बनानी पड़ती है, तो वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा। अब वैसे भी ये जो सब्जेक्ट सब आप पढ़ रहे हैं ये एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, तो अब मेच्योरिटी का आपका जो लेवल है वो होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम होपफुली अब वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ गया होगा। तो पहले दिन से बड़ा सीरियस होना पड़ता है, आपको पता है पूरा सेशन अगर सीरियसली बंदे ने स्टडी की हो, रेगुलर पढ़ा हो, तभी पेपर को रीजनेबली अटेम्प्ट होता है। अब ये बातें डेफिनेटली आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से भी सीखनी हुई है, तो यकीनन कुछ मुश्किल अपनी जगह है, लेकिन उसको प्लीज हमने अपनी तरफ से आई विल ऑल्सो ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम हाईली इफेक्टिव इन क्लासेस को बना सकें, ठीक है, और वैसे ही फील आए जैसे हम फिजिकल क्लासेस पढ़ते थे। लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आपने डेली बेसिस पे टाइम पे क्लास ज्वाइन करनी है और आप हर चीज को उसी तरह सीरियस लेना है जिस तरह अदरवाइज आप लेते थे। बस टॉप चैलेंज वही आएगा कि आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ इमीडिएटली शिफ्ट नहीं हो जाना है। रिक्वेस्ट मेरी ये होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर शुड बी द सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि नॉर्मल क्लास के टाइम पे आप क्लास लें, ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो जाए कभी नेट वगैरह के इशू हो जाए तो उसके इसी के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फैसिलिटी आपके पास इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, लेकिन उसे फर्स्ट प्रायोरिटी का ना बना लीजिएगा। कुछ ना कुछ रूटीन अगर बनाएंगे और पहले दिन से ही डिसाइड करेंगे तभी बेटा ये चलेगा कि शुरू में ही रिलैक्स हो जाएंगे। आपको पता है कि हर चीज लिंक्ड होती है, हर लेक्चर लिंक्ड होता है अगले लेक्चर से। अगर आपने आज पढ़ा है तो इनशाला आपको कल वाली बातें भी समझ आएंगी, लेकिन अगर आज फॉर एग्जाम्पल स्किप हो जाए किसी की क्लास, फिर अगले दिन और अगले दिन, और फिर वो डेफिनेटली वो कैचअप सा होता रहता है, तो पूरा सेशन पिछला ही कवर होता रहता है और वो बात बननी ही होती है, ठीक है। तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको पता है सारी चीजें, साथ साथ रूटीन बनानी है आपने काइंडली, और आई एम अज्यूमिंग कि मेरे से ज्यादा आप मोटिवेट होंगे स्टडीज के हवाले से, ठीक है सर जी। अब्दुल्ला साजिद, जो आपने बड़ा बात की एफ ए वन और एफ ए टू इकट्ठा मैनेज नहीं हो पाएगा, एफ ए वन और एफ ए टू अगर आप इकट्ठा पढ़ रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये कोई राइट चॉइस नहीं है। ऑफ कोर्स अनलेस अगर आपने एफ ए वन पहले पढ़ा हुआ है किसी हद तक और आप उसे रिपीट कर रहे हैं तो वो एक अलग सिचुएशन हो सकती है,
लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम FR1 इंट्रो के फौरन बाद FR1 और FR2 कंबाइन पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेटली आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। चले, जो आपने बात की है अब्दुल्ला, आप इसके आपके साथ साथ मैं और भी एक जनरल से इसमें डिस्कशन कर लूँ। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोग 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स काइंडली नहीं पिक करेंगे। हाँ, और उनमें से भी वो हजरात जिन्होंने कॉस्ट, FA2 और ऑडिट वगैरह सेलेक्ट किए हैं, इट मीन्स जो लास्ट 3 पेपर्स जिनके रह गए हैं, उन लोगों को डेफिनेटली थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट अब रिक्वायर्ड होगी। ये सारे बड़े बड़े जो सब्जेक्ट्स हैं ये एंड में इकट्ठे हो गए, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपकी अब पिछले सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग का, पिक करने का लेवल तो बढ़ गया होगा, लेकिन यू नीड एक्स्ट्रा स्ट्रगल टू कोप विद द 3 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, अगर FA2 कॉस्ट और ऑडिट रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। FA2 अगर आप पढ़ रहे हैं तो FA1 जरूरी है। हाँ, वो कॉस्ट वाले बच्चों के साथ मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई FA1 और कॉस्ट इकट्ठा रखना चाहे वो तो ठीक है, लेकिन FA1 के बगैर कैंडी FA2 की तरफ आना मुनासिब नहीं रहेगा, ठीक है अब्दुल्ला। देख लें, अब आप एक दो दिन जरा मैनेज करके देख लें, अगर आपको लगता है 1 महीने क्लासेस नहीं थी तो 2-3 दिन पढ़ के देख लें, अगर आप महसूस करें कि मैनेज नहीं हो रहा तो ये फिर डेफिनेटली आप FA2 स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। इससे ज्यादा फिर डिले ना कीजिएगा, तो चला के देखो होपफुली, लेकिन थोड़ी सी जरा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने आप को अवेल्युएट करके देख लीजिएगा। जस्ट 1 मिनट जरा, मुझे एक दो बच्चों के और क्वेश्चंस हैं, पहले मैं जरा वही एड्रेस कर दूं। हाँ, वासिफ, फिर आपको कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं तो बड़े ही मेरे ख्याल स्पेसिफिकली डिस्कस हो सकते हैं, कि अगर किसी का सिर्फ एक सब्जेक्ट रह गया और वो 4 इकट्ठे रखना चाह रहा है तो ये स्पेसिफिक इश्यूज तो इस तरह हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल 3 से ज्यादा रखना मेरा ख्याल है जस्टिफाइड नहीं होता है, अनलेस ऑफ कोर्स आप फिर एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए तैयार हो। अगर आप 4 रखना है तो मुझे यकीन है उसमें एतराज नहीं है, लेकिन 3 से ज्यादा मैनेज करना जरा आसान काम नहीं, ये आप लोगों को प्लीज आइडिया है, ठीक है। वासिफ जी, आपने बेटा ये 4 सब्जेक्ट्स के वाले से बात कर दी है, BMBS, FA2, कॉस्ट, ऑडिट, आप रखना चाहें तो रख तो लें, लेकिन सिर्फ उसी केस में अगर आपके पास आपका सपोज बस यही आखिरी 4 रह गए हैं, लेकिन अगर एक भी और छोड़ा हुआ है आपने कैफ में से कोई सब्जेक्ट, तो बेहतर ये है कि 3 पेपर्स फिर इस दफा ले लें और आगे पेपर जो एक रहता है उसके साथ दूसरा मिला लीजिएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल रहते ही आखिरी 4 हैं या 4 ही रह गए हैं, 4 रख तो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली यू विल नीड एक्स्ट्रा स्ट्रगल, आपको कोशिश ठीक ठाक ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4 वाला मुझे इशू नहीं, आप लोगों को मैनेज करना में मुश्किल होगी, लेकिन आप सिर्फ तभी रखें कैंडी, मेरी सजेशन ये है, अगर चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है का मतलब ये है कि रही आखिरी 4 गए हैं और आप अटेम्प्ट बचाने के लिए 4 इकट्ठा रखना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अटेम्प्ट बचाने के चक्कर में कहीं खुदा ना खास्ता ये ना हो कि सब्जेक्ट्स 1 से ज्यादा फिर खुदा ना खास्ता मैनेज ना होने की वजह से आपके रह जाए, तो इस चीज को भी कंसिडर अभी से कर लें और अकॉर्डिंगली फिर अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करें। एक मिनट बड़ा जरा कर लीजिए, जस्ट 1 मिनट, जब मैं कहूंगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, पहले जो बच्चों के क्वेश्चन आ गए हैं अगर उन्हीं को हम एड्रेस कर लें। ये हाफिज हमजा साहब, बेटा जो आपने बुक्स के हवाले से बात की है तो 1 मिनट जरा पहले मैं साथ साथ जो बातें हो रही हैं इनके जरा आंसर्स दे दूं। बुक्स के हवाले से बेटा मैं इंशाल्लाह आपको मुझे 1 या 2 दिन दे दें, डेफिनेटली अब मेरा ख्याल है कुछ लोग आउट स्टेशन भी होंगे तो ये बुक्स आप तक कैसे पहुंचानी है, आपको कैसे अवेलेबल करनी है, तो मुझे जरा 1 या 2 दिन दे दें इंशाल्लाह इस वीक में। फिलहाल डेफिनेटली ये जो चैप्टर्स अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको मैं PDF में शेयर कर दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है 1-2 दिन दे दें, मैं आपके साथ इंशाल्लाह फिर ये सारा बुक्स का इशू भी डिस्कस कर लूंगा कि आपने कहाँ से पिक करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। तो बुक्स की करनी टेंशन ना लीजिएगा, 1-2 दिन जरा प्लीज वेट कर लें, मैं इंशाल्लाह आपसे खुद दोबारा डिस्कस कर लूंगा जी। अब्दुल्ला सही साहब, अगर हाँ ये मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर रहेगा कि FA1 और FA2 इकट्ठा लेने की बजाय, फिर मेरा ख्याल है कॉस्ट बेहतर है, लेकिन कॉस्ट डेफिनेटली एक बड़ा हाईएस्ट लेवल का पेपर है, FA1 और कॉस्ट आप मैनेज तो कर सकते हैं लेकिन उसमें भी एफर्ट बहरहाल हर चीज में होती है, तो अब्दुल्ला मेरा ख्याल है लेकिन FA2 की बजाय कॉस्ट कंपेरेटिवली बेहतर ऑप्शन रहेगी जी। जोहेब, आपने जो बुक्स की बात की थी वो मैंने डिस्कस कर ली है जी। मोहम्मद उस्मान, ये मेरा ख्याल है ये भी बिल्कुल आपने सही बात की है। जस्ट 1 मिनट काइंडली, जितने क्वेश्चंस आ गए हैं मुझे पहले ये एड्रेस कर लेने दें, फिर वो आपके क्वेश्चंस प्लीज रुक जाएंगे, सॉरी ऊपर चले जाएंगे तो मेरे लिए फिर ढूंढने जरा मुश्किल हो जाएंगे, प्लीज 1 मिनट इस वक्त जितने क्वेश्चन है पहले मैं ये जरा एड्रेस कर लूँ।
जस्ट एक मिनट पहले, अभी प्लीज फर्दर क्वेश्चंस ना भेजिएगा, पहले जो आगे हैं, जस्ट एक मिनट जी मैडम। इसके बाद मुझे ये पूछा जा रहा है कि यकीन बेटा एक दिन में दो पेपर देना पॉसिबल नहीं होता, या अगर आपका कोई क्लैश आ रहा है फॉर एग्जाम्पल लॉ एफ ए टू वगैरह इकट्ठे हैं तो ये इस तरह ना कीजिएगा। हाँ अगर एक मंडे को पेपर है फिर ट्यूजडे को पेपर है ये तो शायद फिर भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सुबह शाम पेपर देना मेरा ख्याल है मोहम्मद उस्मान शेर शायद पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन ना रखिएगा कि एक पेपर सुबह एक शाम को है, अनलेस ऑफ कोर्स अगर आपके रही को दो रह गए हों या तीन रह गए हों और उस वजह से कोई ऊपर नीचे हो रहा हो वो तो फिर एक और इशू हो सकता है, लेकिन ये कोई फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, इसका मैनेज नहीं होती चीज़ें जी। तो साहब ये तो डेफिनेटली आप में से ज्यादा बेहतर समझते हैं कि फिजिकल क्लासेस का चांसेस जो भी है वो तो फिर गवर्नमेंट की परमिशन से रही है, तो इसको मेरा ख्याल है फिजिकल क्लासेस वाले वाली वाली चीज को इशू ना बनाए अपने जहन में, ऑनलाइन स्टार्ट करें और जब भी जैसे ही फिजिकल स्टार्ट होंगे क्लासेस इंशाल्लाह कर लेंगे वो तो, लेकिन अगर आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि क्योंकि फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही ऑनलाइन हो रही इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता, मेरा ख्याल है ये एटीट्यूड मुनासिब नहीं है। आप अपनी कोशिश करें जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की ख्वाहिश रखें, बाकी डेफिनेटली जैसे ही गवर्नमेंट अलाउ करेगी फिजिकल क्लासेस उसी दिन से स्टार्ट हो जाएंगे जी। अब्दुल रहमान साहब ये भी इंशाल्लाह मैं बुक्स के हवाले से डिस्कशन देना, ये इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह मुझे जरा एक दो दिन दे दे मैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा डिस्कस करूंगा। जस्ट एक मिनट बेटा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस रोक लें, जस्ट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्पेसिफिक इश्यूज मुझे एड्रेस कर लेने दें यार, जस्ट अ मिनट प्लीज, कोई क्वेश्चन आए जस्ट एक मिनट जी। जमाल अगर सब इस तरह करें जो एफ ए वन जो रिपीट कर रहे हैं ना, जस्ट एक मिनट प्लीज, जो लोग एफ ए वन रिपीट कर रहे हैं वो यकीनन एफ ए टू ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने एफ ए वन सिर्फ कोई एक महीना या फॉर एग्जाम्पल एक आध टॉपिक पढ़ा था तो वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर रिपीट हो रहा तो ठीक है। जी ठीक है अब्दुल, आप सब ठीक है जी। कुछ हजरात दोबारा एक मिनट बताइएगा मुबीन, कुछ हजरात अभी तक शायद व्हाट्सएप ग्रुप अगर में अगर नहीं है तो मैं अभी आपके सामने एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, सॉरी नंबर लिख रहा हूँ आपके सामने, उस नंबर पे फिर आपने मैसेज करना है तो जरा नंबर बता दीजिएगा। जस्ट एक मिनट रुके हैं जरा, अभी रुके रहिएगा प्लीज, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है वो जरा मैं एक नंबर लिख रहा हूँ उस नंबर पे फिर मैसेज कीजिएगा जी। 03074294788 इस नंबर पे आपने बेटा अपना स्कैन आईडी स्कैन्स आईडी और सब्जेक्ट नेम मैसेज करना, और डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, वो उसमें फिर आपको ग्रुप में ऐड करना है तो थोड़ा उसमें उसको टाइम लग जाएगा, तो उसमें फिर टेंशन ना लीजिएगा। तो जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है वो काइंडली ये नंबर नोट कर लें अपने पास और अपना स्कैन आईडी स्कैन्स आईडी और सब्जेक्ट नेम प्लीज इस नंबर पे फिर मैसेज कर दीजिएगा जी। हजर साहब ये एफ ए टू तभी कंप्लीट होगा सब जब इसका सिलेबस खत्म हो जाएगा, इस तरह के शुगर पहले दिन तो ना लगाएं कर ली, ये सिलेबस अगर खत्म हो जाए तो बड़ी बात होगी, तो इस चक्कर में कर ली फर्स्ट डे ना देना पड़े। ये बेटा साकिब अगर आप इस तरह की चीज बेटा खुद से देख लें, मेरे जहन में सब कुछ नहीं है, सारा टाइम टेबल जहन में मेरे नहीं है, अगर आप काइंडली खुद से टाइम टेबल देख के ये डिसीजन ले लें कि कौन से सब्जेक्ट का क्लैश आ जाता है तो ये जरा ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये वाली बात मेरे लिए मुश्किल है कि कौन सा सब्जेक्ट सुबह शाम होता है, तो ये कहेंगे अगर आप थोड़ी सी खुद सर्च कर लें तो मेरे ख्याल मेरे लिए आसानी जी। हमारे साहब ये बुक्स का मैं इंशाल्लाह आपको मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि जरा मुझे एक या दो दिन और दे दें, मैं इंशाल्लाह आपसे खुद डिस्कस करूंगा जी। फाइक आपका मेरे ख्याल एड्रेस हो गया जी, हम अवैध साहब मेरे ख्याल आपकी भी बात क्लियर होगी, एफ ए वन के बाद तो डेफिनेटली एफ ए टू बड़ा बिजी कॉम्बिनेशन जी। अब आप ठीक है लास्ट थ्री तो ठीक है सर जी, चेंजेस वाली कोई ऐसी बात नहीं, तो चेंजेस की आपको बेटा जरूरत ही नहीं जी। अयूब साहब अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह एक दो दिन में खुद बताऊंगा बुक्स का जी। आप सब अच्छी बात है बेटा जी, नजरात का बेटा टैक्स वगैरह रहता है ना तो ऑडिट से पहले आप लोग टैक्स पढ़िएगा, तो अगर किसी का टैक्स रहता है तो पहले पिछले टॉपिक्स पहले पिछले सब्जेक्ट्स पढ़ें, अगले सब्जेक्ट्स
की तरफ ज्यादा ना जाएं, अगर और अगर टैक्स रहता तो पहले टैक्स आप सिलेक्ट कीजिएगा। जी ठीक है, जिन्होंने अगर पहले पढ़ा बेटा फिर आप अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पे देख लें। मेरी फाइनल सजेशन ये है, अगर मैं एक समराइज फॉर्म में बोलूं, मेरी सजेशन ये है कि आप 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स प्लीज चूज ना करें, अनलेस आप समझते हैं कि 4 आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रह ही 4 गए हैं और आप अपनी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन 4 रखना बहुत रिस्की काम होता है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल ये वाला सब्जेक्ट्स के वाले से 4 जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मेरी सजेशन 3 है। 4 आप तभी रखें अगर आप अपनी कोई अटेम्प्ट सेव करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फिर रेडी रहेगा कि आपको लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रगल रिक्वायर्ड है। ठीक है, जी ठीक है, जिम साहब आप ठीक है बेटा, होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहरहाल आप अपनी कैपेसिटी देख के ये डिसीजंस लें। मैंने तो आपको एक जर्नल किस्म की गाइडेंस आपके सामने रख दी है, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, 3 से ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ना करें इस तरह। नहीं, 4 मेरा ख्याल मुनासिब नहीं। जी मुनीब, लास्ट अटेम्प्ट वाली बुक के बेटा चक्कर में ना रहिएगा, मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो यकीन है उसमें आ गई होंगी, तो फिर ऐसे ही आप यही देखते रहेंगे कि पुरानी किताब में और नई किताब में क्या है। मेरा ख्याल है कि नई किताब ही यूज कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस वीक के अंदर अंदर नई किताब अवेलेबल हो जाए, जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, तो उस वक्त तक इंशाल्लाह कोई गुजारा कर लेंगे। जी अब्दुल रहमान साहब, आपने बिल्कुल ठीक है, ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है FA2 के पेपर में हमें रिक्वायर्ड होंगे, तो लेकिन उसको मैं इंशाल्लाह फिर खुद डिस्कस करता हूँ, अभी इमीडिएटली नहीं चाहिए। FA2 के लिए मोहसिन साहब जो आप पूछ रहे हैं, हमें यकीनन आफ्टर द अदर देन क्लासेस, मेरा ख्याल है आपको हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये बेटा पढ़ तो सकते हैं लेकिन मैनेज हो जाएंगे, ये नहीं वो गलत इशू है। जी ठीक है सर, शेरा साहब इंशाल्लाह। जी सर, ये आप मेरा ख्याल राइटिंग वाला मुझे इधर आइडिया नहीं है, तो ये आप इंडिविजुअली मेरा ख्याल ग्रुप वगैरह में डिस्कस कर लीजिएगा TAs के साथ। मेरा ख्याल है बेटा ये राइटिंग स्किल्स जो है ना, इसको मेरा ख्याल इसके साथ रखना चाहिए, नहीं ये मेरा ख्याल है कि इतना कोई इश्यू नहीं वैसे बनेगा। राइटिंग स्किल्स को तो हम मैनेज कर ही सकते हैं। चौथा सब्जेक्ट मैं उसे कंसिडर नहीं कर रहा, ये चौथा सब्जेक्ट मतलब मैं कैफ के रेगुलर सब्जेक्ट्स में से जो 4 सब्जेक्ट्स उसको कहना चाह रहा हूँ, तो मेरा ख्याल वो तो चौथा वो तो मेरा ख्याल शायद ईजिली मैनेज किया जा सकता है उसको, तो मेरा ख्याल उसके लिए ऐसे फर्दर टाइम बाद में वेस्ट करना मुनासिब नहीं होगा। जी माय डियर, आप बाकी जो बट आपकी बातें मेरे ख्याल साथ साथ शायद एड्रेस हो जाएंगी, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। बाकी फिर बेटा जो चीजें रह गई हैं वो ग्रुप्स वगैरह में अगर आप डिस्कस करना, मैं TA से कहता हूँ, तो अगर कोई फर्दर भी इशू रह गया तो फिर वो कोई मसले एक आध दिन में मेरा ख्याल चीजें नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल अपने क्वेश्चन छोड़ दें, आए जरा हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है उसकी इनिशियल डिस्कशन से बात अपनी शुरू कर लें। ठीक है, ये अब्दुल रहमान साहब, ये तो बेटा आपने देखे इंडिविजुअल टाइम तो आपने मैनेज करना है, तो आप लोग इस तरह करें, अगर कुछ दिन रख के देख लें, अगर आप 4 सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि डेली बेसिस पे टाइम जस्टिफाइड जो उन्हें मिलना चाहिए वो मिल रहा है, तो फिर बेटा ठीक है, वरना मेरा ख्याल है कैसी रिस्क ना लीजिएगा। तो ये क्योंकि हर बंदे का अपना एक टाइम स्केड्यूल वगैरह होता है, तो उसके मुताबिक आप देख लें आप मैनेज कर सकते हैं या नहीं। मैंने तो एक जर्नल से मेरा ख्याल है एक नॉर्मल स्टूडेंट के वाले से एक आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं, बाकी डेफिनेटली कुछ लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करने कर सकते हैं, तो वो मैं यकीनन आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन जो मेरे ख्याल में मेरे सामने होती है स्टूडेंट्स को देख के वो मैंने आपके सामने रखी है। तो आए मेरा ख्याल है इस बात को अगर आप
अपने इंडिविजुअली लेवल पे टेस्ट कर लें, तो मैं जरा अपनी डिस्कशन जरा थोड़ी सी जरा चाहता हूँ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट जी। हमने बेटा जब इस वक्त सब्जेक्ट की डिस्कशन स्टार्ट करनी है, आप लोगों को बताइए कि FAR2 की बात हो रही है, आप लोग FAR2 की क्लास के लिए मेरे साथ इकट्ठे हुए हैं। अभी बेटा जो FAR2 है ये बिल्कुल उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में सबसे पहले आपने इंट्रोडो काउंटिंग पढ़ा, जिसमें आपने सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप की अकाउंटिंग समझने की कोशिश की, उसी की कंटिन्यूटी में फिर FAR1 का सब्जेक्ट आप लोगों की नजर से गुजरा उसमें। लेकिन अगर आप रिकॉल थोड़ा सा करना है तो शायद मेजर डिस्कशन जो है वो कंपनीज के एंगल से हुई। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ लें ये जो FA1 है इसी की कॉन्टिन्यूटी में अब FAR2 भी है, मीन्स जो कंपनी ही की अकाउंटिंग जो FA1 में आपने स्टार्ट की वही कंपनी से रिलेटेड ही डिस्कशन FAR2 में भी है, और FAR1 में जिसने आपने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े जिनको कलेक्टिवली कहा जाता है, कुछ चीजें जरा रिवाइज करना अपने जहन में, IFRS काफी सारे आपने पढ़े, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स में बताए होते हैं, फिर कुछ स्टैंडर्ड्स IAS के नाम से आपने पढ़े, जस्ट टू रिकॉल सम स्टैंडर्ड्स इन योर माइंड, IAS 23, IAS 40, IAS 16 वगैरह, और एक स्टैंडर्ड फिर आपने IFRS 15 के नाम से रेवेन्यू रिलेटेड भी पढ़ा। एक दफा दोबारा आपके जहन में जरा मैं चीजें जरा रिफ्रेश कर दूं, असल में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कलेक्टिवली तो कहा जाता है जी, बहुत से बड़ा और भी IAS 20 वगैरह, मैंने सिर्फ चंद एक वैसे बीच में नाम ले दी। IFRS stands for International Financial Reporting Standards. जब भी आप accounting standards की कोई book लेंगे, accounting standards की published book है, अगर वो कोई खरीदेगा, तो उसके बाहर जो लिखा होता है वो International Financial Reporting Standards के नाम से IFRS की heading बनी है, ठीक है? लेकिन जब इस book को open किया जाता है, तो इस book में कुछ standards IFRS के नाम से हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स IAS के नाम से हैं। हो सकता है ये बात पहले भी आपको आपने मेरे से सुनी हो, आपको आइडिया हो, लेकिन दोबारा जरा रिकॉल कर लें। तो IFRS के नाम से भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं IFRS और IAS के नाम से भी। IAS मींस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आप लिख लीजिएगा, लेकिन जस्ट पहले मेरी बात जरा थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लें। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बुक खरीदेंगे, ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, तो उस बुक के बाहर जो टाइटल बना होगा वो होगा IFRS, लेकिन जब आप बुक ओपन करेंगे तो उस बुक में IFRS 1, 2, 3, 4, 5, 16 तक जाते हैं स्टैंडर्ड्स, ये भी मिलेंगे, और कुछ स्टैंडर्ड्स IAS के नाम से मिलेंगे। तो IAS के नाम से जो स्टैंडर्ड्स हैं वो IAS एब्रिविएशन है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्क बड़ा सिर्फ ये है कि तकरीबन 2010 से पहले पहले आप कह लें जो स्टैंडर्ड्स बनते थे वो IAS के नाम से थे, बल्कि उससे भी पुरानी शायद बात है। पुराने स्टैंडर्ड्स जो हैं जो अभी तक चल रहे हैं, पुराने स्टैंडर्ड्स जो अभी तक एप्लीकेबल हैं वो IAS के नाम से हैं, और जो नए स्टैंडर्ड्स अब बन रहे हैं जो पहले अवेलेबल ही नहीं थे, जिन एरियाज पे पहले अकाउंटिंग गाइडेंस अवेलेबल ही नहीं थी, और उन एरियाज पे अकाउंटिंग गाइडेंस अवेलेबल की जा रही है बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, तो पुराने स्टैंडर्ड्स जो अभी तक चल रहे हैं वो IAS के नाम से हैं और जो नए स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं वो IFRS के नाम से हैं, ठीक है? लेकिन जब इन दोनों को इकट्ठा करके बुक बनाई जाएगी स्टैंडर्ड्स की, तो वो बुक किस नाम से होगी? IFRS के नाम से वो बुक इस वक्त अवेलेबल होती है। एक छोटी सी बात और, फिर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए
यहाँ तक जो मैंने बात की है, इसमें जब हम FA2 के हवाले से सारी डिस्कशन कर रहे हैं, FAR2 के हवाले से, तो आपको एग्जाम में, एग्जाम हॉल में ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो बुक है, ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो बुक है, ये एग्जाम में लेके जानी अलाउड है। मतलब आप ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो IFRS की बुक है वो एग्जाम में ले जा सकते हैं। उसे एग्जाम में लेके जाके कैसे यूज किया जाता है वो इंशाल्लाह हम अपनी जब डिस्कशंस हुआ करेंगे तो साथ साथ उसको आपके साथ, मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा कि इसको एग्जाम में लेके जाने का क्या फायदा है, इसे वहां जाके कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब फिर ये है, इसका एक मतलब ये बनेगा कि जितनी ये डेफिनेशंस वगैरह होती हैं स्टैंडर्ड वगैरह में, वो हमें उस तरह से रट्टा भी लगाने की जरूरत नहीं है। जिससे अगर आप रिकॉल थोड़ा सा करें तो IFRS 15 जो रेवेन्यू वाला था, वो क्योंकि ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप एग्जाम में FR1 में नहीं लेके जा सकते थे, तो आपको पूरा स्टैंडर्ड भी याद करना पड़ता था। लेकिन यहाँ उस तरह से रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है, डेफिनेशंस को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है और उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आने चाहिए होते हैं। तो ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने कब लेने हैं, उनसे कैसे यूज किया जाता है, ये इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको इंशाल्लाह जरूर गाइड करूंगा। यहां तक मेरी बात सबको समझ आ गई है? आई नीड योर रिस्पॉन्स, साथ साथ मुझे रिस्पॉन्सेज देने हैं आपने। तो यस रख लें, एन रख लें, वाई रख लें। तो FA2 के सिलेबस में ठीक है, थैंक यू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक्स 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 थैंक्स, जज़ाकअल्लाह। FA2 के सिलेबस में फिर कौन कौन से फर्दर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या कौन सी पुरानी कुछ चीजें FR1 से रिलेटेड हैं जो आपके FA2 के सिलेबस में दोबारा हैं, पहले हम अब वही जरा देख लेते हैं। एक सिलेबस वाला पेज आपके सामने है, ये पेज इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप भी करवा दूंगा, तो इसकी भी टेंशन ना लीजिएगा। फिलहाल जरा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है तो इसको जरा मैं साथ साथ पढ़ना शुरू करें। पहले तो सर ग्रिड में जो सिलेबस की ग्रिड बनी हुई है, ग्रिड लाइन बनी हुई है, उसमें इस पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में, जैसे मैंने A, B और C के एंगल से जरा डिफाइन कर दिया है, सिलेबस जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आ जाए जरा ए में, और ए में अगर मैं आपके साथ पढ़ूं पहला तो लिखा हुआ हेडिंग, ये पहली तो है हेडिंग है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2017 एंड IFRS। तो ये तो एक हेडिंग थी जो ऊपर लिखी, वहीं से नीचे आ गई। इस ग्रेड के मुताबिक हमारे सिलेबस में क्या कुछ है जी? नंबर 1, सबसे पहले बेटा हमें कंपनीज के एंगल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट 2017 भी लॉ वगैरह में, आपने बिजनेस लॉ में कुछ कंपनी लॉ वगैरह भी पढ़ा हुआ है, कुछ स्टैंडर्ड्स भी पढ़े हुए हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स की बेस पे और कंपनी लॉ की बेस पे लिमिटेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आपको आना होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात ये है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, ये हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया था FR1 में। लेकिन अगर FA2 आप जहन में लाए, सॉरी FR1 में नहीं, सॉरी इंट्रो में, सॉरी इंट्रो में कौन कौन सी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, FR1 में जब आप आए तो आपने कुछ फर्दर स्टेटमेंट्स बनानी सीखी। कौन कौन सी? ट्राई टू रिकॉल इन माइंड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और फिर अगर आप जहन बनाए तो आपने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खास तौर पे IAS 16 के हवाले से, फिर IAS 40 के हवाले से, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ नोट्स बनाने का भी आपको आइडिया मिल गया था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वही कंपोनेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे करके दोबारा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद न्यू एडजस्टमेंट्स, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। हाँ, जो इसमें कैश फ्लो है, कैश फ्लो अब आपके सिलेबस का दोबारा पार्ट नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ FR1 में थी। अब जब आप प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये वर्ड यहाँ सुनेंगे कि आपने बनानी है, तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स तो हैं, लेकिन कैश फ्लो जो स्टेटमेंट थी वो दोबारा FA2 के सिलेबस का पार्ट
नहीं है। तो मींस इस फर्स्ट में, ये जो फर्स्ट यहाँ पॉइंट लिखा ए में, इसमें आपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा बनानी सीखनी है। अब उसका लेवल इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि कुछ फर्दर स्टैंडर्ड्स और कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स भी ऐड हो जाएंगे। यहाँ तक तो कुछ मेरी बात समझ आ गई सबको? कुछ याद आ गए वर्ड्स जो मैंने बोले? चले ठीक है, ओके थैंक यू, ओके आगे बढ़े। नहीं बेटा, उसके बाद फिर ये नीचे जो तीन फर्दर पॉइंट्स बने हुए हैं, इन सब को अगर हम इकट्ठा करके कोई नाम देना चाहें तो ये सब कुछ इकट्ठे इकट्ठा एक टॉपिक बन जाएगा। इन सबको इकट्ठा करके एक टॉपिक बन जाएगा जिसको कहते हैं कंसोलिडेशन। तो आप समझ लें कि FA2 का एक मेजर टॉपिक ये कंसोलिडेशन रिलेटेड है। तो इसमें आप देख रहे होंगे आपके सामने क्या स्टैंडर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, IFRS 3, IFRS 10, ये यकीन कुछ नए स्टैंडर्ड्स हैं, IS 28 ये पुराना स्टैंडर्ड है। कंसोलिडेशन बेटा एक बिल्कुल नई चीज आप लोगों के लिए होगी। कंसोलिडेशन का सिंपली मतलब ये है कि अगर दो कंपनीज या दो से ज्यादा कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करना हो तो फिर उनको प्लस किया जाता है आपस में, किन किन चीजों को प्लस किया जाता है, नहीं किया जाता वगैरह वगैरह। मसलन फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया है तो कंपनीज ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी ही बनानी है, लेकिन जिस कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया है उस कंपनी के लिए फिर एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों कंपनी को, दोनों कंपनीज की कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी है। मसलन फॉर एग्जाम्पल, जरा इनकम स्टेटमेंट अगर आप ध्यान में लाएं तो सेल्स को इकट्ठा करके लिखना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को इकट्ठा करके लिख लेना है वगैरह एंड वगैरह। तो ये जो इसका सारा प्रोसीजर है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है अगर एक से ज्यादा कंपनीज इकट्ठी हो गई हैं, इकट्ठा कर होकर बिजनेस कर रही हैं, तो उसको फिर कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 जो है ग्रिड ए में, ये कंसोलिडेशन है और ये मेजर टॉपिक्स में से है। जिस तरह अगर हम FA1 जहन में लाएं तो रेशोज हैं, या कह लें रेवेन्यू का टॉपिक है जिसमें से हमेशा सवाल आता है, इसी तरह कंसोलिडेशन भी एक मेजर टॉपिक्स में है FA2 के। ठीक है, तो इस वक्त बहरहाल आपको ये सामने ये नाम सब टॉपिक्स डिस्कस करना, इनके नाम बोलना, इनके थोड़ा सा आइडिया देना, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ वर्ड से बस यूज करो। जी आगे चलते हैं, एक मिनट। देन उसके बाद बेटा फिर बी में कुछ अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, IS 8 है। अब इसमें मैं फर्दर इसलिए डिस्कशन में नहीं जाऊंगा जहाँ पे हमें शायद ऐसे वर्ड्स का शायद अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप ना हो। ये भी एक नई चीज है IS 8, IFRS 9 बिल्कुल आपके लिए नई चीज है अगर इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। देन बेटा फिर एक IFRS 16 है, एक था IAS 16। वो IAS 16 जो था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्रो, पुराना स्टैंडर्ड है, देखा वो IAS 16 था। वो उस तरह से दोबारा आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये आइडिया जरूर होना चाहिए कि कुछ FA1 की चीजें FA2 में भी टेस्ट हो जाती हैं, और इसलिए हमें कुछ पुरानी चीजों का भी आइडिया होना चाहिए, किन कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताऊंगा। तो IAS 16 बहरहाल था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यहाँ लिखा हुआ IFRS 16, तो यह है लीज रिलेटेड अकाउंटिंग। आपने शायद वर्ड सुना, अगर कोई एसेट आपने इंस्टॉलमेंट्स में खरीदना हो, और मतलब एसेट आपने ले लिया लेकिन पैसे आपने इंस्टॉलमेंट्स को देने हैं, तो वो लीज है, और लीज से रिलेटेड फिर एक IFRS 16 है। तो ये IAS 16 और चीज है, ये IFRS 16 एक लीज से रिलेटेड एक नया टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, मेरी बात क्लियर होगी? IAS 16 और IFRS 16, जी सर क्लियर है सर? जी आगे बढ़े सर। फिर देन बेटा IAS 38, IAS 38 जो नहीं इनटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड है। पहले आपने टेंजिबल एसेट्स तो पढ़ लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, लेकिन कोई अगर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अगर आप, तो उसकी फिर डेप्रिसिएशन के लिए अमॉर्टाइजेशन एक वर्ड शायद आपने सुना हो कहीं वैसे ही, तो वो लेकिन अब आपके सिलेबस का डिटेल पार्ट है वो IAS 38। ठीक है, देन उसके बाद फिर एक IAS 41 है, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है। अच्छा, इस सॉरी IAS 38 के साथ में एक ब्रैकेट में SIC भी लिखा हुआ है। तो जस्ट एक छोटी सी चीज जरा अगर आपको फर्दर मैं आइडिया दे दूं, ये बेटा जब ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, इन ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है बाय द नेम ऑफ IFRS एज वेल एज IAS, लेकिन इसके साथ साथ अगर प्रैक्टिकली कोई अकाउंटेंट्स को
एरिया में किसी चीज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में प्रैक्टिकली अकाउंटेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, नई चीज कोई आ गई हो जिसकी अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट पहले से डिफाइंड नहीं है स्टैंडर्ड्स में, तो उसके लिए फिर क्या होता है, इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने वाली जो बॉडी है IAISB उसका नाम है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है, तो और से मेरे वर्ड सुनते जाए प्लीज। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है। लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कोई चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना हो जो प्रैक्टिकल चीज आ जाए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने उसको एड्रेस ना किया हो, तो फिर ये बॉडी, ये जो आईएसबी है, उन प्रैक्टिकल एरियाज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इंटरप्रिटेशंस के नाम से डिफाइन करती है। इंटरप्रिटेशंस, प्लीज लेट मी रिपीट, आहिस्ता आहिस्ता आराम से मेरी बात सुनिएगा, फिर अगर चाहे आप नोट कर लीजिएगा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है, पहले करता था आईएएस के नाम से और अब करता है आईएफआरएस के नाम से। लेकिन अगर कहीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फर्दर एक्सप्लेन करना पड़े या कहीं पहले गाइडेंस अवेलेबल ना हो किसी एरिया में, तो फिर ये जो स्टैंडर्ड बोर्ड है ये इंटरप्रिटेशन इशू करता है। ये जब इंटरप्रिटेशन इशू करता है किसी एरिया के बारे में, तो उसके भी फिर इंटरप्रिटेशन के नाम रहता है, इंटरप्रिटेशन नंबर 1, 2, 3, 4 वगैरह, ठीक है। लेकिन पहले जब इंटरप्रिटेशन बनती थी तो वो SIC के नाम से बनती थी। SIC स्टैंड फॉर स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी गाइडेंस। स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी ये सिक वहां से बना, मतलब इन पहले पहले वर्ड सिक, तो इसकी गाइडेंस होती थी इस नाम से, सिक 1, सिक 2, सिक 3 वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी तक जो पुरानी सिक के नाम से इंटरप्रिटेशंस यूज हो रही हैं, वो भी इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बाय द नेम ऑफ सिक 1, 2, 3, 4 अवेलेबल हैं। लेकिन अब जो नई अगर डेवलप होती है, ये भी अराउंड 2010 के बाद और पहले की बात है, कुछ इस तरह से बोलते 10 से भी पुरानी बात है। अब जो नई डेवलप होती हैं इंटरप्रिटेशंस, उनके फिर नाम रखे जाते हैं इफ्रिक्स। इफ्रिक स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी गाइडेंस, ठीक है। तो मैं इन चीजों को जस्ट इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक सिक और एक पुरानी सिक और एक नई इफ्रिक आपके सिलेबस का पार्ट है। कहने का मेरा मतलब ये है, एक तो स्टैंडर्ड्स है, लेकिन स्टैंडर्ड्स में अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसे फर्दर क्लैरिटी चाहिए, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एक्सप्लेन होना चाहिए, या कोई नई डेवलपमेंट है जो स्टैंडर्ड में अभी कवर नहीं है, और लेकिन उसमें अगर कोई IAASB अपनी कोई रिकमेंडेशन या ओपिनियन देना चाहे, तो वो फिर इंटरप्रिटेशंस इशू करती हैं। पहले जब इंटरप्रिटेशंस बनती थी वो तो सिक के नाम से थी SIC, और अब जब नई इंटरप्रिटेशंस बनाई जाती हैं तो इफ्रिक के नाम से हैं। तो इफ्रिक और सिक्स भी इंटरप्रिटेशंस जो है, ये उसी ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो वॉल्यूम्स हैं, जो बुक्स हैं, उसमें शामिल हैं। यहां तक नोट भी कर लें और बताएं मेरी जो चंद एक बातें आपने सुनी हैं या आप लोगों को सही कुछ क्लियर हो गई हैं। नहीं तजा साहब, वो मेरे ख्याल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और चीज है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स और चीज है, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और है। नहीं अभी तो ये स्टैंडर्ड्स नहीं बने, ये इंटरप्रिटेशंस के नाम से। जी एसन साहब, वो आपके आने से पहले है, आप FA1 और FA2 इकट्ठा नहीं कर सकते। नहीं बेटा, वो रेशियो कहना तो, लेकिन रेशियोज का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो उस वक्त भी बात हुई थी मेरे ख्याल, रेशियोज का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है।
ये कर लेगा इंटरप्रिटेशन है, मेरे ख्याल ऐसे मिक्स ना करें, रिश्तों और चीज़ है जी। एहसन डॉक्टर साहब जो आप फरमा रहे हैं, मेरे ख्याल बेटा ये अपने पॉसिबल नहीं होगा कि एफ ए वन और एफ ए टू अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, एफ ए वन भी और एफ ए टू भी, तो ये आप इकट्ठा मैनेज नहीं कर सकेंगे जी। नदीम साहब अभी तो मेरे ख्याल जो आपके सामने है शायद आपने यही लिखना है यार, बाद मैं थोड़ा सा इकट्ठा कर दिया, अगर आप नोट करना चाहें जो लोग नोट करें कैंडी बता लिख के मुझे बता दीजिए। नहीं बेटा शायद वो माइक से जरा शायद मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, अगर आप लिख के कर देंगे तो लिए तो मेरे लिए जरा आसानी होगी हैंडल करना। ठीक है मिस्टर बाजू जी। सर कजर साहब जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन की जाती है उसी तरह इंटरप्रिटेशंस की भी एप्लीकेशन की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है कजर साहब, जब आप लोग नोट कर लेंगे थोड़ा सा मुझे आइडिया देते रहिएगा कि आपने लिखनी है, बस कोई एक वर्ड बस रखना, कोई वाई एन ज्यादा टाइप आपको करके ताकि टाइम ना वेस्ट करना पड़े। नहीं इब्राहिम साहब ऐसे नहीं है, स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स ही को फर्दर एक्सप्लेन इंटरप्रिटेशंस की फॉर्म में किया जाता है, तो जब स्टैंडर्ड्स ही को फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है इंटरप्रिटेशन में तो उसकी जिस तरीके से स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन होती है उसी तरह से इंटरप्रिटेशन को भी इंटरप्रिटेशंस को भी अप्लाई किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है तो दोनों को सेम तरीके से ही अप्लाई किया जाता है। ठीक है इब्राहिम, नहीं वो जीशान साहब वो कोई इशू नहीं है, मेरा ख्याल वो कोई इशू नहीं है, अगर आपने एफ आर वन पढ़ा हुआ है रीजनेबली पढ़ा हुआ है बल्कि इवन पास हुआ है फिर अगर थोड़ा सा गैप आ गया तो कोई इशू नहीं है। देखिए एफ ए देखिए जो एफ ए टू है ना मेरे नजदीक एफ ए टू यकीन देखिए बड़ा एडवांस तो है, लेकिन ये कहना कि ये अब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कंपेरेटिवली मेरा नहीं ख्याल। इंट्रो एफ ए वन और एफ ए टू में से सबसे ज्यादा टफ था मेरा ख्याल है इंट्रो, क्योंकि उस वक्त आपका बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग नहीं था, लेकिन आफ्टर इंट्रो यकीनन एफ ए वन में बहुत सी नई चीजें आई, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मैं नहीं समझता कि एफ ए वन में उतना इशू बनता है एज कम्पेयर विद जिस तरह से इंट्रो में बनता है। सिमिलरली अगर आपने अब ये दोनों चीजें पढ़ ली हैं तो इंशाल्लाह एफ ए टू की अंडरस्टैंडिंग में इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा, जो चीजें आप पढ़ेंगे सुनते रहेंगे लॉजिकली सोचते रहेंगे आपको समझ आ जाएगी। प्रॉब्लम सिर्फ यही होता है कि सिलेबस जरा ज्यादा होता है, आपको डेली बेसिस पे चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो दिस इज इशू, वरना कोई इशू नहीं। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह आपके ऑनलाइन क्लासेस में भी आपके क्वेश्चंस का आंसर इंशाल्लाह किया करूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह मैं आपकी कोशिश करूंगा कि कोई भी अगर इशू है तो वो मेरा टीए हैंडल किया करेगा, लेकिन अगर कोई इशू रह जाए बेटा तो आप मेरी नेक्स्ट क्लास में दोबारा मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बाजी साहब, नहीं बेटा ऐसे कोई मेजर मेरा ख्याल कोई चेंजेस वाली बात नहीं। नहीं जमान साहब कोई ऐसी मेरा ख्याल बात नहीं जी, फिर साहब यही बस बात हुई। नहीं बेटा अब्दुल रहमान साहब इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है इंशाल्लाह, उसमें तो मैं वक्त अवेलेबल हुआ करूंगा, लेकिन व्हाट्सएप में यकीन आपने अपनी अपनी कन्वीनियंस पे मैसेजेस क्वेश्चंस करने होते हैं तो वो कभी कभी फिर आप शाम रात को भी करते हैं पता नहीं दिन को भी करते हैं, तो वो उस तरह मेरी फिर क्लासेस भी होती हैं तो वो शायद फिर मेरे लिए उस तरह से एड्रेस करना वो मुमकिन नहीं रहेगा, तो आई सजेस्ट कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें, और अगर कभी मजबूरन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने पड़े तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप को यूज करना चाहें तो यकीन क्वेश्चन पूछें, लेकिन अगर बुरा जाए तो नेक्स्ट डे दोबारा पूछ लें मुझसे। ठीक है मिस्टर अब्दुल रहमान साहब जी जी, नहीं सब मेरे ख्याल नेक्स्ट ट्राई सर, अगर आप डेली बेसिस पे तमूर साहब पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल कोई इशू नहीं है जी। खजर साहब मैंने अभी यही कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर तनु साहब आप मेरा ख्याल है कि डेली बेसिस पे
अगर आप क्लासेस लेंगे तो और रोज का रोज पढ़ लेंगे तो कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आइए वापस जो हम बात कर रहे थे। जी वो इंशाल्लाह भी इंशाल्लाह कोई इशू नहीं, वो मेरा ख्याल टीएस वगैरह अनाउंस कर लेंगे, वो एक आध दिन जरा मेरा ख्याल दे दें जरा चीजें, इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन कर लूंगा मैं सारी। ये मेरा बात ये हो रही थी, जरा काइंडली जरा वापस आ रहे, जरा जो बात चल रही थी उसको कंप्लीट कर लो। जी भैया, बात ये हो रही थी कि IS-38 जो है इसमें इंटेंजिबल एसेट्स डिस्कस होंगे, लेकिन IS-38 से ही रिलेटेड एक SIC-32 आपके सिलेबस में है, जो वेबसाइट्स डेवलप की जाती हैं उनकी जो कॉस्ट है उसका ट्रीटमेंट फिर हम IS-32 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि SIC-32 जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट है FA2 लेवल पे। देन उसके बाद फिर एक IS-41 लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अगर आपका कोई डेयरी फार्म हो या कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड मतलब कोई बाग हो, फलों के बाग हो, मसलन फॉर एग्जांपल आम के बाग हैं कमर्शियल बेसिस पे, या आपका कोई किन्नू के बाग हैं वगैरह वगैरह, थोड़ा सा फसलें उगा के, अगर आजकल ये भी आपको पता है ये लिमिटेड कंपनीज जो हैं इस तरह के काम कर रही हैं, तो डेयरी फार्म्स, फिश फार्म्स, बागात, अगर इस तरह के कोई बिजनेसेस हैं तो उससे रिलेटेड IS-41 बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, तो ये भी एक सिलेबस का पार्ट आपके है। देन उसके बाद फिर सी में कुछ एथिक्स एंड अदर एरियाज हैं। एथिक्स का जो टॉपिक है ये मेरा ख्याल शायद आपके टैक्स के सिलेबस में भी कहीं है, ऑडिट में भी है, जो लोग ऑडिट पढ़ेंगे, लेकिन उसी तरह से एथिक्स का कुछ एरिया जो है ये FA2 के सिलेबस में भी है, तो ये एक थ्योरेटिकल सा एरिया है इसमें से भी, लेकिन थ्योरेटिकली हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये एथिक्स जो है ये स्टैंडर्ड्स में नहीं है, तो शायद ये वाहिद एक टॉपिक है जिसको थोड़ा सा रट्टा भी लगाना पड़ता है, बाकी तो चीजें क्योंकि स्टैंडर्ड्स में इसलिए डेफिनेशन डिस्क्लोजर वगैरह वहां से मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ रट्टा लगाना नहीं पड़ता, लेकिन एथिक्स का जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली याद भी करना पड़ता है। देन उसके बाद बाकी स्टैंडर्ड आ गए। अब आप नोट करें, मेरा ख्याल है कि शायद आपके सिलेबस में FA2 में सारे स्टैंडर्ड्स ही हैं, तो फिर IFRS 8 है, IS-10 है, IS-37 है, IS-12 है, IS-21 है, और अगर हम देखें तो शायद ही कोई चीज ऐसी है सबसे पहली चीज के प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थोड़ा सा पहले आपको आइडिया है। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट वही है, वही डेबिट क्रेडिट सब कुछ है, लेकिन जो नए स्टैंडर्ड्स हैं, नई चीजें हैं, नई गाइडेंसेस हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इनकी बेस पे इंशाल्लाह हमने अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करना है। ठीक है, मेरी यहाँ तक जो मैंने बातें की हैं, डेफिनेटली जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की चीजें वो तो इंशाल्लाह हम खोल के बात करेंगे, लेकिन जो जहां तक चंद एक बातें हुई हैं इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई जी बेटा? इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है मैं हरून अभी अभी बता देता हूँ, कोई इशू वाली बात तो नहीं, अगर है तो बता दे बेटा। ठीक है, अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर कोई इशू है तो पूछ ले कोई सवाल। अगर बेटा सजर साहब आप एक ही सवाल बेटा बार बार करी जा रहे हैं और मैं उसका बार बार जवाब दे रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आपने मेरा ख्याल ऑटो पे लगा दिया है कि मैंने हर 2 मिनट, हर 1 मिनट बाद, बल्कि हर 1 मिनट से भी कम टाइम में आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और मैं बार बार उसका जवाब दे रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं। जी ठीक है, मुझसे हारून साहब ने एक बात की है, वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ कि इसमें से मेजर मेजर टॉपिक्स कौन से हैं। तो एक तो बेटा ये कंसोलिडेशन है, ये तो हर दफा आता है तकरीबन कोई ना 20 मार्क्स का। जी बेटा दानियल, मैंने अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आपका एक नंबर मैंने शेयर किया था आपसे, लोगों सबसे रिक्वेस्ट ये है प्लीज क्लास टाइम पे आपने ज्वाइन करना है, ताकि बेटा वो एक ही चीज पर बार बार ऐसे टाइम वेस्ट होता है बार बार रिपीट करके। एक नंबर मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है 0307-429-4788, इस नंबर पे अपना स्कैन आईडी और सब्जेक्ट नेम काइंडली मैसेज करना आपने, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो प्लीज टाइम पे क्लास ज्वाइन करें, पूरा टाइम रेगुलरली पढ़ें, क्लास को सीरियस लें, जिस तरह फिजिकल क्लासेस में आप लोग बैठ के पढ़ते हैं पूरी क्लास, तो कोशिश करें कहीं इंडिविजुअल अगर रूम हो सके सबसे बेस्ट है, अगर आप इवन हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं तो अलहदा अलहदा कोशिश करें पढ़ें, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई एक ऐसी जगह अगर मिल जाए जहां आप पढ़ सकें तो वो सबसे बेस्ट है, रूटीन बना लें, अगर आप लोग अपना कोई लैपटॉप यूज कर सकें वो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो मोबाइल भी चलेगा, लेकिन कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मिनिमम डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, अगर आप ये 2-3 चीजें मेरे ख्याल अपनी रूटीन में बना लेंगे, कर लेंगे अभी से, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस अब आपका एक्सपीरियंस हो गया हुआ पहले भी एक साल, मेरा ख्याल है कि ठीक है, बाकी लिमिटेशंस अपनी जगह है,
लेकिन कोई इम्पॉसिबल वाली बात भी नहीं है। ठीक है जी सर, आगे बढ़े सर। अब मुझसे जो हरुण ने बात की थी वो मेरे ख्याल करके मैं जरा अपनी बात को आगे बढ़ा लूँ, टाइम अभी है थोड़ा सा, कोई ना कुछ नई चीज स्टार्ट कर ही नहीं। आज हरुण साहब ये पूछ रहे हैं कि मेजर सब टॉपिक्स इसमें कौन कौन से हैं, मेजर इन सेंस बड़े बड़े टॉपिक्स इनमें से रूटीन में क्वेश्चन आते हैं, उसमें बेटा एक तो कंसोलिडेशन हो गया फर्स्ट ग्रेड में, देन उसके बाद अगर मैं सेकेंड ग्रेड में देखूँ तो इसमें एक लीज है मेजर, मेजर इन सेंस जिस पर टाइम बहुत लग जाता है, देन उसके बाद IS-8 है, बाकी डेफिनेटली कुछ चीज़ों पर शायद इतना टाइम नहीं लगता। देन उसके बाद अगर मैं सी ग्रेड में आऊँ तो इसमें IS-10-37 मिलजुल के एक सब टॉपिक बन जाता है, फिर IS-12 एक बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है एथिक्स मैंने जस्टिस की हाईलाइट किया था कि एक थ्रेटिकल टॉपिक है, तो IS-12 है, IS-10-37 है, IFRS-16 है, IS-8 है, कंसोलिडेशन है, इनमें से नॉर्मली शायद हर अटेम्प्ट में ही और बल्कि अक्सर मिक्स हो जाते हैं क्वेश्चन, तो ये भी इशू बन जाता है। तो बहरहाल सिलेबस बहुत ज्यादा है, रूटीन बनानी पड़ती है और साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है तो अब आए जरा मेरा ख्याल हम अपने फर्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर खोलना और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बेसिक डिस्कशन रिगार्डिंग लीज। लीज जरा शुरू करते हैं, ये जो इसके नोट्स वगैरह हैं फिलहाल एक दो दिन जो हमें जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हुआ करेंगे, मैं ये व्हाट्सएप भी आपको करा दूंगा। बुक के हवाले से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, बुक की आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह इस वीक में कोई ना कोई इसका तरीका सोच लेंगे कि आपके पास बुक कैसे अवेलेबल करनी है। तो एक हेडिंग प्लीज, नहीं बड़े आप इससे टेंशन ना लें, सारे टॉपिक्स FR1 वाले FA2 में टेस्ट एग्जामिनर नहीं करता है, जो जो टेस्ट करता है वो इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, IS-40 है, IS-36 इंपेयरमेंट टाइप है, तो इसकी कोई टेंशन ना लें, इंशाल्लाह जो जो चीजें टेस्ट होती हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, जितना हमारे पास हाफ एन आवर है कुछ ना कुछ अगर इनिशियल डिस्कशन हो जाए तो बेहतर है। ठीक है जी आप सब चले आप स्टार्ट। ये हेडिंग लिखें लीज, और लीज से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड मैंने का नाम मैंने बताया था दैट इज IFRS-16। अब ये जो लीज का टॉपिक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं जरा चाहूंगा कि हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जरा रिवाइज हो जाएं। एक प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज होता है जब कभी आपने फ्यूचर से आज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू। अगर थोड़ा सा अगर आप FR1 जेहन में लाएंगे तो ये जो वैल्यू यूज की वर्किंग की जाती है इंपेयरमेंट लॉस में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको याद है, जस्ट मैं थोड़ा सा कुछ वर्ड ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि शायद जेहन में आ जाए, बाकी मैं अभी दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। वैल्यू यूज की वर्किंग में जो प्रेजेंट वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट था उसकी बेस पे हमने कोई डिस्कशन दोबारा रिवाइज करनी है बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ लीज। तो बेटा ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूलाज यूज होते हैं, तो पहले तो जरा काइंडली आप उनको अपने पास नोट कर लें। एक तो कह सकते हैं आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्टिंक्शन सेपरेशन अलग अलग करने के लिए, एक तो सिंपल डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला, आप नोट जरूर कर लें, लेकिन जहां जहां भी मैं रुक रुक के पूछूंगा आपसे आपने मुझे जरूर बता देना है कि कोई इश्यू तो नहीं। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट अगर आपने करनी है तो एक सिंपल डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है, 1 + i - n, लेकिन इसी के अगेंस्ट फिर प्रेजेंट वैल्यू ही कैलकुलेट करने के लिए एक NUT का फॉर्मूला भी यूज किया जाता है। अब अगर आपके जहन में कोई QM आ जाए तो यकीनन NUT की भी दो टाइप्स वगैरह हो जाती हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन अब शायद उस डिटेल में हमें चीज़ों की जरूरत नहीं है। हमें जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी बस वो मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपने उन्हीं को अंडरस्टैंड करना है। तो एक तो सिंपल डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला बोल बोल के लिखिएगा, 1 + i - n, अब i या r इंटरेस्ट रेट के लिए है। ठीक है, और एक NUT का फॉर्मूला भी है, NUT का फॉर्मूला क्या है, 1 - 1 + i
ये आर माइनस एन और फिर डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। मेरे ये कौन सा कब यूज होता है ये फिर इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ। फॉर्मूला नोट कर लिए प्लीज आप। या बड़े छोटे से एक एग्जांपल लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख रुपीज रुपीज 1 लाख एट द एंड ऑफ 5 years। लेट्स अज्यूम एक कंपनी है उसे 1 लाख रुपया 5 साल बाद पे करना है। इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्काउंट रेट, इस तरह वर्ड्स आप सुनते रहते होंगे, सुने होंगे अपने अपने प्रीवियस स्टडीज में। तो इंटरेस्ट रेट इज सपोज 10%। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है होपफुली तो हम मुझे सबसे पहले तो ये बताएंगे ये जो 1 लाख है ये प्रेजेंट वैल्यू पी वी है या फ्यूचर वैल्यू एफ वी है। थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए। ये बड़ा 5 साल बाद वाली वैल्यू है। ना करें सर जी, ना करें, ना करें। ये कौन है पी वी वाले साहब? पी वी वाले साहब कौन से रहेगा? ठीक है, शायद गलती से टाइप हुआ है मेरा ख्याल, बाकी सब ठीक है। ठीक है ठीक है, बात बड़ा ये हो रही है कि देखिए हमने 5 लाख पे करा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद वाला जो 1 लाख रुपया है क्या उसकी भी वैल्यू 5 लाख ही है? इन्फ्लेशन की वजह से वो वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं। तो हमने अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मीन्स आज की वैल्यू, तो उसका तरीका क्या होता है? आप फ्यूचर वैल्यू लें और एक सेकंड के लिए एनुइटी रेंज से निकाल दें। एक सेकंड के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ एनुइटी का भी यूज होता है। डिस्काउंटिंग फॉर्मूले में आ जाओ, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अब 10% है, लेकिन मैथमेटिकली कैलकुलेटर आपके पास हर वक्त होने चाहिए, अवेलेबल होंगे मेरे ख्याल जरूर होंगे। 10% मीन्स है 10/100, तो 10/100 जब आप लिखेंगे फॉर्मूला में तो ये 0.1 बन जाएगा, जरूर सॉल्व करना है। और माइनस एन का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड्स, और यहाँ नंबर ऑफ पीरियड्स -5 है। यकीनन आप लोगों को पहले से आइडिया है, गलत ना कीजिएगा, कहीं कंफ्यूज हो तो बता दीजिएगा, बताएं आंसर बताएं, और कोई मसला तो नहीं है। खास तौर पर अगर मसला तो एक्सप्लेन कीजिएगा, आंसर सॉल्व जरूर कर लें। अगर आप सही वर्किंग करेंगे तो मुझे आंसर बताया जा रहा है, सॉल्व करें लिख के सारे। ठीक है, मुझे चाहे ना बताएं, मुझे चाहे ना बताएं, मुझे चाहे ना बताएं, लेकिन कम से कम सॉल्व करना है, ऐसे लिखने में आपको टाइम लगेगा। तो 62092 राउंड ऑफ कर ले रुपीज में। इन मटेरियल जो चीजें हैं काइंडली, इन मटेरियल चीजें उन पे कोई टाइम हमने वेस्ट प्लीज नहीं करना। तो पॉइंट्स में राउंड ऑफ करके बनेगा 62092। मुझे सिर्फ ये रिस्पॉन्स चाहिए फाइनली, सबको क्लियर हो गया है क्या बात हुई है, कोई इश्यू तो नहीं इसमें? चले ठीक है, ओके। अगली एक और एग्जांपल लिखें। सुबह बेटा एक और एग्जांपल ये है कि कंपनी इज रिक्वायर्ड, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे रुपीज 1 lakh at the end of each year for next 5 years।
कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे रुपीज 1 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स और इंटरेस्ट रेट इज 10%। अभी सॉल्व नहीं है आपने ना, पहले कुछ बातें मेरी जरा सुन के रिकॉल करनी है, नोट कर लिए। जी वो मैंने बेटा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो हम लिख लेंगे, तो वो फार्मूले का पार्ट नहीं है जैब साहब, वो तो फार्मूला यही है, और अगर हमने वर्किंग करनी हो तो हम रेंटल लिख लेंगे, तो मेरा ख्याल है वो आर इसका पार्ट नहीं है। अगर बना लेते हैं, बनाना तो बना लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, फार्मूला ये है, उसने फिर मल्टीप्लाई किससे होना वो फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है जैब साहब, जी डियर, सबसे पहले तो ये मैंने जरा ये दोनों एग्जांपल्स जो मैंने पहली एग्जांपल लिखी और जो मैंने सेकंड लिखी, इसमें डिफरेंस है कोई? सुने क्या डिफरेंस है? पहली एग्जांपल बेटा ये थी कि 1 लाख रुपए ने 5 साल बाद पे होना है। ठहरे ठहरे ठहरे, लेट मी फिनिश। 1 लाख रुपए ने 5 साल बाद पे होना है, एक अमाउंट थी जिसे 5 साल बाद पे होना, हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अब यहां इसका ये मतलब हो गया एंड ऑफ ईच ईयर है, तो अब ये 1 लाख रुपीज के, 1 लाख रुपीज जो है ये 5 दफा हर साल के एंड में पे होना है। अब ये 5 अमाउंट्स हैं यहाँ, 5 टाइम्स 1 लाख ने पे होना है, इट मीन्स टोटल 5 लाख पे होना है। ये मेरी बात ठीक है, सबको क्लियर है कि अब टोटल 5 लाख पे होना है, लेकिन 5 लाख इकट्ठा पे नहीं होना, 5 लाख ने इंस्टॉलमेंट्स में 1-1 लाख करके पे होना है। मस्टर फॉर एग्जाम्पल, अब अगली बात सुने जरा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आज डेट हो, मैं उस तरह की बातें करूंगा जो शायद आपने क्यूएम वगैरह में भी कभी सुनी हो। लेट्स अज्यूम अगर आज डेट है 1 जनवरी 2020, टूडेज डेट, पहले आपने सुनना है फिर बाद में लिखेगा अगर लिखना है सर, तो मेरी पहली अमाउंट ने पे होना है 31 दिसंबर 2020 पे, 2020 एक साल गुजर गया, इस दिन 1 लाख पे होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड एग्जांपल, फिर 31 दिसंबर 2021 पे 1 लाख पे होगा, फिर 31 दिसंबर 2022 पे 1 लाख पे होगा, फिर 31 दिसंबर 2023 पे 1 लाख रुपी पे होगा, जी मेरी ये बात क्लियर है? सिर्फ प्लीज पहले समझ नहीं, बात कोई लिखने की जल्दी नहीं है, यहां तक ये मेरी बात समझ आ गई है, पहले मेरी बात पूरी सुन ले, कोई इश्यू तो नहीं बनेगा इसमें, अगर बनेगा तो बता दीजिएगा वरना ओके। अब बेटा मैंने अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब तो होता है आज, तो ये अमाउंट है 1 साल बाद, ये पहली जो अमाउंट है 1 साल बाद है, 1 साल बाद, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू, यकीनन मैं डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगा सकता हूं, -1, समझ आ जाएगा ये, प्लीज रिस्पॉन्ड क्विक रिस्पॉन्स। अगर 1 लाख की मैंने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है तो -1 कर दूं, लेकिन मैंने अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है तो 1+0.1, ये आज से 2 साल बाद है, सिमिलरली 0.1 -3 -4 एंड -5, ये मेरी सारी बात समझ आ जाएगी, 1 2 3 4 5 जो मैंने किया है। अगर कोई इश्यू है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, और अगर इश्यू नहीं है तो इसको नोट करके फिगर सॉल्व करें, और मुझे बस अपने टोटल बताना है। जिनका इश्यू है अगर कोई बात नहीं समझ आ रही, -1 कैसे, 2 कैसे, 3 कैसे वगैरह, तो मुझसे पूछ लें, और अगर नहीं इश्यू है तो इसको लिख लें, इसी तरह डेट वाइज लिखें, एक्सप्लेन करें सारा, इंडिविजुअल आंसर्स भी निकालें, लेकिन मुझे सिर्फ आप टोटल बता दीजिएगा, आई एम वेटिंग। अगर क्वेश्चन है तो खास तौर पे वो पहले पूछ लें, छोटी छोटी चीजें साथ साथ क्लियर करनी है।
ये फर्स्ट आंसर अप्रोक्सीमेट लिखूंगा मैं, 90909। जी ठीक है बेटा उस्मान अहमद, ठीक है आपने। रुपीज में राउंड ऑफ करते रहें, और अगर आपने सॉल्व कर लिया तो मेरे से मैच करते रहें, और फाइनली मेरा ख्याल है कि आंसर अब जिनका सही आ जाए मेरे से मैच कर ले वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का रह जाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है 379079 तक आएगा, पर आराम से सॉल्व करें, कोई मसला नहीं, एक आध मिनट लगाएं आप और। जी माय डियर, ठीक, वो तो नहीं, मैंने जान के वो बंद किया हुआ था स्पीकर। जी वकार साहब, मेरा ख्याल है ये बेटा मुबीन जी भी जरा जहन में रखो, शायद कुछ बच्चों का इंडिविजुअल प्रॉब्लम आ रहा है, ये वकार अहमद साहब को देखें वगैरह। जी उस्मान, वो बेटा मैं खुद बताता हूँ। जी बेटा सबने नोट कर लिया प्लीज, ये ठीक है अदनान, वो बेटा एक आध रुपये का अगर राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आया तो वो मेरा ख्याल है इग्नोर कर दीजिएगा। अप्रॉक्सीमेटली मेरे से मैच करता है ये आंसर आपका। अब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो प्लीज राउंडिंग ऑफ की वजह से कुछ अगर इश्यू आ जाए, सबको कॉन्सेप्चुअली ये बात समझ आ गई है, कॉन्सेप्चुअली सबको ये बात क्लियर हो गई है, कोई इश्यू तो नहीं किसी का? अगर है तो बता दें वरना रहने दें, अगर है तो बता दें वरना रहने दें। तो बेटा यहां से जहां तक क्या हमने पढ़ा, फिर यहां तक ये फाइनल हुआ यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटा अब मेरे वर्ड सुनिएगा गौर से, फिर मैं जो लिखूं बोल रहा हूं ये मैं लिख देता हूं। लेकिन अगर तो एक अमाउंट है और उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं फिर तो ठीक है, ये एक अमाउंट थी इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं फिर ठीक है, अगर एक से ज्यादा अमाउंट हैं, अगर एक से ज्यादा अमाउंट हैं वो सेम है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, और उनके दरमियान उन अमाउंट्स के दरमियान जो गैप है टाइम का वो कांस्टेंट है, मतलब साल का अगर एक में डिफरेंस है तो दूसरे में भी साल 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 का है, अगर मंथली डिफरेंस हो तो मंथली है, सेमी एनुअल है तो सेमी एनुअल है, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं लेकिन वो अमाउंट सेम है और उनका गैप भी सेम है तो यकीनन ये वर्किंग तो ठीक है जो हमने की है, लेकिन जरा ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग इन अ सेंस कि हमें 5 दफा वर्किंग करके प्लस करना पड़ा। तो अगर एक से ज्यादा अमाउंट हो और वो सेम हो और गैप सेम हो, उनके दरमियान टाइम का इंटरवल भी सेम हो, तो रादर देन बेटा कि हम बार बार सिंपल डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले से वर्किंग करें, हम एन्यूटी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये तीनों बातें हो जाएं जो मैंने अभी बोली है, नंबर एक, एक से ज्यादा अमाउंट हो, अमाउंट सेम हो और उनके दरमियान गैप भी सेम हो, गैप मींस टाइम का गैप। अगर फॉर एग्जांपल, बाकी ये मैं भी लिखता हूं जो मैंने बोला, फर्ज करें ये अमाउंट अगर 2 लाख रुपए होती बाकी सब लाख लाख होती तो मुझे बताएं जो मैंने अभी बोला है एन्यूटी का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है? यस नो में आंसर दें सारे। नहीं बेटा मोहम्मद बकास, फिर मैं सजेस्ट करूंगा फरहान साहब, मोहम्मद सजुल करनैन, नहीं बेटा अगर अमाउंट सेम ना रहे, सारी अमाउंट सेम ना हो
तो फिर एन्यूटी का फॉर्मूला आप यूज ना करें, शायद वो यूज किया जा तो सकता है, लेकिन आपके लेवल पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एन्यूटी का फिर फॉर्मूला यूज ना करें, ना करें नहीं, साकिब इस चक्कर में नहीं पड़े। मैंने जो कहा है वो क्या है, लेट मी राइट। फिलहाल जो 1 1 लाख की बेस पे था, मेरा ख्याल एक पैराग्राफ लिखकर मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। यहां तक पहुंच गए तो इसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द अबव कैलकुलेशन, ये अब बेटा सब कुछ हो सकता है, लेकिन पहले एक आसान सी बात से शुरू करना है, फिर सब कुछ हो सकता है। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द अबव कैलकुलेशन, ये जो हमें 5 दफा वर्किंग करनी पड़ेगी, इसको हम आसान करना चाहें, टाइम सेव करना चाहें, ऑफ प्रेजेंट वैल्यू वी कैन यूज फॉर्मूला ऑफ एन्यूटी इफ देर आर मोर देन 1 installments। जी बेटा हमसे थोड़ा सा साथ साथ रहेंगे बेटा, तो इंशाल्लाह सब कुछ आ जाएगा ऐसे ही, लेकिन इस वक्त सब कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ फॉर्मूला कैन ओनली बी यूज, फॉर्मूला ऑफ एन्यूटी कैन ओनली बी यूज if amounts are same and amounts are same and interval time interval specific time interval between the installments is also constant. And the time interval between the installments is also constant. मतलब annual अगर installment है तो annual ही हो सारी, quarterly है तो quarterly है हो सारी, और अगर सेमी एनुअल है, और अगर ये ना हो फिर हमें मजबूरन सिंपल डिस्काउंटिंग मींस 1 + i - n वाला ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सब कुछ एज इट इज हो जो मैंने लिखा है, तो वी कैन यूज फॉर्मूला ऑफ एन्यूटी, वो इंशाल्लाह मैं भी यूज करके दिखाता हूँ टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। और अब देखेंगे चूंकि जो आंसर आया था हमारा टोटल का वो एन्यूटी के फॉर्मूले से भी आ जाता है, देयरफॉर फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत शायद नहीं है। जब आप लोग नोट कर लेंगे तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि अब मेरी बात क्लियर हो गई है जो मैं कहना चाह रहा हूं। ताकि बेटा हमें पता चले बीच में इंटरेस्ट कितना है। मुनीब साहब ठीक है, मुनीब साहब जी, मुनीब अहमद साहब कह रहा हूं, ताकि हमें पता चले कि बीच में इंटरेस्ट कितना और उसमें फिर टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड होना होता है। जी बेटा आपको लिख तो नहीं रहा, अगर कोई लिख रहा तो बता दें। जी मान साहब ऐसे नहीं होता, इंटरेस्ट पर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाती है, इंटरेस्ट भी चेंज होता था। जी सर, अब अगर हमने इसी डिस्कशन रुक जाए सब रुक जाए, इसी डिस्कशन में अगर हमने ये कैलकुलेट करना है कि एन्यूटी का फॉर्मूला कैसे यूज होना है, बेटा कंपाउंडिंग जब आएगा देख लेंगे प्लीज, कंपाउंडिंग और चीज है, वो छोड़ दे नजर, वो गेम की वजह से कोई कंपाउंडिंग की बात नहीं हो रही,
प्लीज डिस्काउंटिंग फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू पे आना, छोड़ देना जब इस वक्त कंपाउंडिंग रहने दें। कंपाउंडिंग होता है आज से फ्यूचर में जाना, वो भी बात नहीं हो रही जी। बेटा अगर आप एन्युटी का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं और अपनी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर लिखी थी, एट द एंड ऑफ ईच ईयर जब एक से ज्यादा, इसका ये होता है कि आपने सबसे पहले इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ढूंढनी है, सारी इंस्टॉलमेंट को जमा करके नहीं, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 1 लाख है वो आपने लिख ली। अब आपके जेन में एन्युटी का फॉर्मूला आना चाहिए। एन्युटी का फॉर्मूला क्या है, बोलना है सबने, अपना अपना बोलना है, इंडिविजुअली बोलना है। 1 माइनस 1 प्लस 10% अगर है तो 0.1 है, माइनस नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, -5 इंस्टॉलमेंट्स जिनमें इंटरेस्ट है, डिवाइडेड बाय 0.1। सबसे पहले मुझे ये बता दें जो मैंने किया है ये समझ आ गया है, स्टार्टिंग पॉइंट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ढूंढे हैं, फिर एन्युटी का फॉर्मूला लिखे हैं, रेट को पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिखे हैं, और देन उसके बाद अगर अगर एन यूज करना तो यहाँ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 5 जो इंटरेस्ट है जिनमें वो आपने लिखना है। इसको लिखें, फिर है तो मुझसे पूछें, अगर नहीं है तो लिख के काइंडली आंसर कैलकुलेट करके जरूर अपने सामने रख लें और चेक करें क्या वो सेम आ रहा है या नहीं, बाकी फिर मैं लिख देता हूँ। कोई कंफ्यूजन अगर है मेरे से क्वेश्चन पूछो। जी सब ओके। सबका आंसर आ रहा है प्लीज। ये चैट कर लूँ, ठीक है ठीक। जी सर 3790 79। ये बड़ा बात सबको समझ आ गई है प्लीज, एन्युटी का फॉर्मूला कब यूज हो सकता है, कैसे यूज होता है, सबको क्लियर है? जी माय डियर, सब लोगों को बात मेरी समझ आ गई सर, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें, आज जो पढ़ा हमने कोई क्वेश्चन तो नहीं अब किसी का, फाइनली रिस्पॉन्स दे आज की डिस्कशन में, कोई कंफ्यूजन किसी की? लेकिन बात अभी मेरी कंप्लीट नहीं हो सकी है, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हो सकी, इंशाल्लाह मैं कल ये बात यहीं से दोबारा स्टार्ट करूंगा, लेकिन आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया। चले ठीक है, अब बड़ा आपसे रिक्वेस्ट यही है, ये F1 में बड़ा पढ़ा था लेकिन अब मकसद ये था आज का थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, तो अब बड़ा इंशाल्लाह आपने प्लीज रूटीन बनानी है, डेली बेसिस पे 9:30 पे लाइव क्लास लेनी है, ठीक है, रिकॉर्डेड के चक्कर में नहीं पड़ जाना है, वो फिर उसी तरह ही होता है। बेटा खिजर किन चक्करों में पड़ गया यार, क्या हो गया, क्यों साथ साथ नहीं चल रहे आप, प्लीज मैंने अभी डिस्कस ही नहीं की तो इसका मीनिंग कैसे आपको पता चल गया? तो इंशाल्लाह ये मैं डिस्कशन कल यहीं से दोबारा स्टार्ट करूंगा, अगर कोई लिखना चाह रहा है तो वो लिख ले आप पूरी स्क्रीन, बट मैं लिखा लिख सकूंगा, तो इंशाल्लाह ये डिस्कशन कल यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। प्लीज टाइम पे आपने क्लास ज्वाइन करनी है, कोई नोट कर रहा है तो प्लीज कर लें, तो अल्लाह हाफिज, फिलहाल आज का काफी है, इंशाल्लाह कल दोबारा नॉर्मल टाइम पर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।